ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਬਣਿਆ ਰੇਲਵੇ ਅੰਡਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੋ ਪਾਸਿਓਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਢਲਾਨ ਹੇਠਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੁਲ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ 5 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਦਰਜਨਾਂ ਦੋ ਪਹੀਆਂ ਵਾਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ दूजे पासे रेलवे विभाग की नलायकी के चलद म्यूनसिपल कमेटी फाजिलका के सीवरेज सफाई कर्मचारियों सीवरेज साफ करने वाले टैंकर इस पानी कढ़ना पिया जिक्र योग है कि पुल फाजिलका शहर के विचों विच बनया होया है इतने पहला फाटक होने कारण पिछले लंबे समय तो शहर वासियों इस पुल को बनाने लिए काफ़ी धरने प्रदर्शन करने पे सी भाई जी रेलवे ब्रिज का पुल बनया पर पानी की निकासी नहीं है किसी पास भी जो सड़क डाला ने वो इधर दी हुई अंदर दी इस करके पानी भर जाता है असं दो घंटे हो गए लगे टैंक 15-20 अगे चकते 7-8 हूँ चकते अजे लगे हुए अजय तक शाम ही हो जाएगी इतने ये काम रेलवे का है पर कमेटी लाया है 3 घंटे हो गए थे बुरे हाल हो सारे गड्डी भिज गई सारे बंद हो गई कोई सरकार का माहौल को नहीं है किसी तरह का फाजिलका तो रणजीत सिंह की रिपोर्ट पंजाब टुडे।